नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया में और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान में हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच भारत सरकार ने अहम फैसला लिया है। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में मौजूद कॉन्सुलेट में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों को अब वापस लाया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए भारत ने यह फैसला लिया है कि भारत के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को मजार शरीफ से वापस बुलाया जाएगा। अफगानिस्तान में हर दिन हालात बिगड़ रहे हैं और तालिबानी लड़ाकों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 5 प्रांत की राजधानियों पर अपना कब्जा जमा लिया है। यही कारण है कि भारत अपने अधिकारियों को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के कई शहरों में इस वक्त तालिबान का कब्जा है। राजधानी काबुल समेत कुछ अन्य स्थानों पर ही अब अफगानी सरकार एक्टिव है। एक तरफ तालिबान बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर वह अफगानी सेना पर लगातार हमला कर रहा है। चूंकि अफगानिस्तान में एक अहम रोल रखता है, ऐसे में तालिबान की ओर से भारतीय लोगों पर निशाना साधा जा सकता है। यही कारण है कि भारत लगातार सतर्कता बरत रहा है। बता दें, अफगानिस्तान में भारत के एक पत्रकार दानिश सिद्दीकी की भी तालिबानियों ने हत्या कर दी थी। तो वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के पांव मजबूत हो रहे हैं और इस मजबूती को खाद पानी देने का काम पाकिस्तान करता रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद जिस तेजी से तालिबान का कब्जा बढ़ा है, उसने अमेरिका की मुश्किल भी बढ़ा दी है, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को नापाक हरकतों पर लगाम लगाने को कहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से फोन पर बात की और चेताया कि पाकिस्तान सीमा के पास तालिबान के आतंकियों के पनाह गाहों को खत्म करने के लिए कदम उठाए। पाकिस्तान की मदद की वजह से अफगानिस्तान में ज्यादा असुरक्षा और अस्थिरता का माहौल बन गया है। तालिबान या किसी अन्य आतंकी संगठन को पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ना करने दिया जाए। अमेरिका ने तालिबान को पनाह देने और सहायता मुहैया कराने को लेकर पाकिस्तान की आलोचना भी की है। वहीं अमेरिका रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने अफगानिस्तान में भारत के काम की सराहना की और भारत की भूमिका को रचनात्मक भी बताया है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा, भारत ने अतीत में प्रशिक्षण और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार के मामले में अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान पर भारत और अमेरिका के सहयोग के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में स्थिरता तथा सुशासन के साथ इस तरह के काम, इस तरह के प्रयासों का हमेशा स्वागत किया जाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है, जिस पर स्पष्ट तौर पर सही दिशा में काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, मंत्री का मानना है कि अफगान बलों में बदलाव लाने की क्षमता है। अफगानिस्तान सरकार के एक समर्थक कमांडर के पाला बदलने के बाद तालिबान रणनीतिक तौर पर अहम समांगम प्रांत की राजधानी एबक पर भी कब्जा जमाने में कामयाब रहा है। इसके साथ ही आतंकी गुट उत्तरी अफगानिस्तान पर लगभग अपना कब्जा जमा चुका है, जिससे काबुल में राजनीतिक संकट गहरा गया है। पिछले 3 दिनों में 4 अन्य प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा करने के बाद तालिबान लड़ाकों ने बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए बगैर एबक पर कब्जा जमा लिया है। इससे उत्तरी अफगानिस्तान के मजार शरीफ पर तालिबान को हमला करने में बढ़त मिल गई है। तालिबान लड़ाकों ने सोमवार को अलग अलग शहरों पर हमला किया। हालांकि वे अभी तक कोई खास पैठ नहीं बना पाए हैं। तालिबान की पश्चिमी अफगानिस्तान के मुख्य शहर हेरात में भी सरकारी सुरक्षा बलों से भिड़ंत हुई है। एक अमेरिकी अखबार ने सरकार के एक वरिष्ठ सदस्य के हवाले से कहा है कि युद्ध के मैदान में मिल रही लगातार शिकस्त राष्ट्रपति अशरफ गनी का संकट बढ़ा सकती है। वह सलाहकारों की एक छोटी टोली पर भरोसा करते हैं और अक्सर प्रमुख मंत्रियों और सैन्य कमांडरों को बदलते रहते हैं। अशरफ गनी के सामने अब यह चुनौती है कि वह मौजूदा हालात से निपटते हैं या किनारा कर लेते हैं। सरकार के इस वरिष्ठ सदस्य ने चेतावनी दी कि अगर तालिबान विरोधी सभी राजनीतिक ताकतें मुकाबले के लिए नई योजना के साथ एकजुट नहीं हुई तो काबुल कुछ ही हफ्तों में आतंकी गुट के हाथों में जा सकता है और अशरफ गनी को इस्तीफा सौंपना पड़ सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के अप्रैल में अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी के ऐलान के बाद से तालिबान ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप प्रशासन के साथ फरवरी 2018 में दोहा में अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण समाधान को लेकर हुए समझौते के बावजूद
तालिबान लगातार हमलावर है। दोहा समझौते में तालिबान ने हमला ना करने का वादा किया था, लेकिन हकीकत इससे इतर है। वहीं अफगानिस्तान में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। वहां के कई प्रांतों की राजधानी पर अब तालिबान की फौज का कब्जा हो चुका है। इस बीच वहां पर रह रहे भारतीयों के लिए तीसरी बार सिक्योरिटी एडवाइजरी मंगलवार को जारी की गई। काबुल स्थित भारतीय दूतावास के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि यह एडवाइजरी हाल में 29 जून और 24 जुलाई को जारी की गई दो सिक्योरिटी एडवाइजरी से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि पिछली जिन दो एडवाइजरी में दो सलाह दी गई वह अभी भी वैध है और सभी भारतीयों को यह सलाह दी जाती है कि वे उन सभी आवश्यक कदमों को उठाएं जो उन दो सिक्योरिटी एडवाइजरी में कही गई है। इसमें आगे कहा गया है कि अफगानिस्तान के कई हिस्सों में भारी हिंसा को देखते हुए कई प्रांतों और शहरों में कॉमर्शियल फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं। अफगानिस्तान आने वाले, काम करने वाले और यहां पर रह रहे सभी भारतीयों को यह सलाह दी जाती है कि वे जहां से कॉमर्शियल फ्लाइट्स जा रही हैं उसके बारे में खुद को अपडेट रखें और इससे पहले कि जहां पर वो हैं वहां से कॉमर्शियल फ्लाइट्स बंद हो जाएं वो फौरन वापसी की तैयारी करें। दुनिया में कोरोना महामारी के बीच एक नया खतरा पैदा हो गया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में घातक मारबर्ग वायरस का पहला मामला सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी पुष्टि की है। इस वायरस को इबोला और कोरोना से भी अधिक खतरनाक माना जा रहा है। यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। ऐसे में गिनी के लोगों में दहशत का माहौल है। WHO ने कहा है कि यह वायरस चमगादड़ों से फैलता है। इसकी मृत्यु दर 88% है। 2 अगस्त को दक्षिणी गुएकेडो प्रांत में एक मरीज की इससे मौत हो गई थी। उसी के नमूनों में यह वायरस पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस व्यक्ति में इबोला नहीं मिला, लेकिन मारबर्ग वायरस मिला। अफ्रीका के WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मोयती ने कहा है कि मारबर्ग वायरस को दूर दूर तक फैलने से रोकने के लिए हमें इसे अपने ट्रैक में रोकने की जरूरत है। गिनी में मारबर्ग वायरस का पता ऐसे समय पर चला है जब 2 महीने पहले ही WHO ने यहाँ इबोला वायरस के खत्म होने का ऐलान किया था। पिछले साल यहां इबोला की शुरुआत हुई थी जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी। वहीं इस वायरस के खतरे को लेकर WHO ने कहा कि इसका खतरा क्षेत्रीय स्तर पर ज्यादा है और वैश्विक स्तर पर कम है। मोयती ने कहा, हम स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं जिससे इबोला के प्रबंधन में गिनी के पिछले अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर इस वायरस को रोकने के लिए काम किया जा सके। गिनी सरकार ने भी एक बयान में मारबर्ग मामले की पुष्टि की है। भारत से कनाडा जाने वाले यात्रियों का इंतजार और कुछ दिनों के लिए बढ़ गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कनाडा ने भारत से आने वाली पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगे बैन को 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सबसे पहले 22 अप्रैल को कनाडा ने यह बैन लगाया था, जिसे कई बार बढ़ाया गया। हालांकि यह बैन कार्गो फ्लाइट या मेडिकल ट्रांसफर्स पर लागू नहीं होगा। फेडरल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। यह 5वीं बार है जब प्रतिबंध को बढ़ाया गया है। इससे पहले पिछले महीने 19 जुलाई को कनाडा सरकार ने प्रतिबंध को 21 अगस्त तक आगे बढ़ाते हुए कहा था कि प्रतिबंध को सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह पर बढ़ाया गया है। इसके अलावा कनाडा सरकार ने कहा था कि अगर देश में कोरोना की स्थिति ठीक रही तो वो 7 सितंबर से अपनी सीमाओं को किसी भी पूरी तरह से टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए खोल देगा। जिन्होंने कनाडा में प्रवेश करने से कम 14 दिन पहले कनाडा स्वीकृत वैक्सीन की सरकार के साथ टीकाकरण का कोर्स पूरा कर लिया है और जो विशिष्ट प्रदेश आवश्यकताओं को पूरा करें। करीब 5 महीनों बाद भारत में सबसे कम कोरोना मामले आए हैं। पिछले 24 घंटों में 28,208 नए कोरोना केस आए हैं और 373 संक्रमितों की जाँच चली गई है। इससे पहले 15 मार्च को 24,492 कोरोना केस सामने आए थे। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 41,511 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि कल 13,680 एक्टिव केस कम हो गए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 खत्म हो गया है और भारत के सभी चैंपियन अपने घर वापस लौट आए हैं। भारत ने इस बार ओलंपिक में इतिहास रचा है और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, लेकिन
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग इससे खफा नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान से सवाल कर रहे हैं कि वो खुद ही खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान की झोली खाली कैसे रहेगी। दरअसल ओलंपिक खत्म होने के बाद अब जब खिलाड़ी अपने अपने घर लौट रहे हैं, तब पाकिस्तान में स्थानीय लोग अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि उनके मुल्क को ओलंपिक का मेडल मिले लंबा वक्त हो गया है, ऐसे में सरकारें क्या कर रही हैं। बता दें कि भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के जिस फाइनल में गोल्ड जीता, उसी में पाकिस्तान के अरशद नदीम टॉप टीम में जगह नहीं बना पाए थे। हालांकि वो फाइनल का हिस्सा जरूर थे। जब पाकिस्तान में सरकार से सवाल पूछना शुरू हुआ तो इमरान खान भी सामने आए। उन्होंने एक बयान में कहा कि वह खेल को लेकर ज्यादा वक्त नहीं दे सके। एक नई बहस ये भी छिड़ी है कि नीरज चोपड़ा के मुकाबले अरशद नदीम को कैसी ट्रेनिंग मिल पाई थी। इस जानकारी के मुताबिक अरशद ओलंपिक से पहले ईरान गए और पंजाब में भी उन्होंने ट्रेनिंग की, जबकि नीरज चोपड़ा स्वीडन में ही ट्रेनिंग कर रहे थे। वहीं कोरोना वायरस को मात देने के लिए भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। कोरोना के अलग अलग म्यूटेंट को मात देने के लिए अब दुनिया के कई देशों में वैक्सीन को मिक्स करने का काम चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भले ही इसका विरोध कर रहा है, लेकिन कई देश इस ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। भारत में भी इस मुद्दे पर लंबे वक्त से बहस जारी है। भारत में अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्सर से बेहतर प्रोटेक्शन मिल सकती है। भारत में इसकी स्टडी सीएमआर ने की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से साफ कहा गया है कि वैक्सीन को मिक्स करना अभी खतरनाक हो सकता है। ऐसा कोई डाटा नहीं आया है जो ये साबित करे कि वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज अलग अलग लिए जाने से उसका फायदा होता है। हालांकि WHO ने यह भी साफ किया है कि वह अंतिम फैसला पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी पर छोड़ते हैं। दुनिया के कई देशों में अब जब कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तब देश अलग अलग रणनीति पर काम करते हुए दिख रहे हैं। कई देश यही कारण है कि वैक्सीन को मिक्स करने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं, जिसमें अभी तक अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना से लड़ने के लिए मिक्स वैक्सीन का फॉर्मूला अपनाने की बात की जा रही है। हालांकि पहले इसको लेकर बड़ा संशय था कि अगर कोविशील्ड की वैक्सीन लग चुकी है तो क्या दूसरी वैक्सीन भी, जो कि बूस्टर डोज है, वो कोवैक्सीन का लगवा सकते हैं। लेकिन अब जो ताजा जो रिसर्च चल रही है उसके बीच ये कहा जा रहा है कि अगर वैक्सीन को मिक्स करते हैं तो ये ज्यादा कारगर साबित होगी। अगर वैक्सीन को अलग अलग जो कंपनीज के डोजेस लेते हैं हम, तो ये ज्यादा प्रोटेक्टिव मालूम पड़ रही है। लेकिन हालांकि WHO ने अभी ऐसी किसी भी बात से ऑफिशियल बयान देने से मना किया है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में बहुत जल्द नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को खोलने के लाइसेंस जारी कर सकता है। केंद्रीय बैंक ने 17 साल पहले बंद हो चुकी इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के संकेत दिए हैं। साथ ही सरकार के नए बनाए सहकारिता मंत्रालय की भी इसमें अहम भूमिका होगी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक फाइनेंशियली स्ट्रांग और बढ़िया मैनेजमेंट वाली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों को नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस दिया जा सकता है। वहीं 100 करोड़ रुपए से अधिक की जमा रखने वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए मैनेजमेंट बोर्ड बनाने और इनके राष्ट्रीय संगठन बनाने के नियम तैयार करने पर काम चल रहा है। खबर के मुताबिक सरकार ने हाल में जो नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है, वो इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के नियमों और भविष्य तय करने के लिए समीक्षा करेगा। केंद्रीय बैंक से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के हवाले से खबर में कहा गया है कि संसद के मॉनसून सत्र के बाद सहकारिता मंत्रालय के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय इस दिशा में काम कर सकते हैं। नए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इसके लिए RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में शीर्ष शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति 15-20 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। RBI ने इस समिति का गठन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अब तक उठाए गए रेगुलेटरी कदमों और उनके पिछले 5 साल के असर का आकलन करने के लिए बनाया है। आपको बता दें 17 साल बाद RBI ने इसको खुलने के जो संकेत दिए हैं, और मंत्रालय के अंडर में इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को रखा जाएगा, जिनके नियमों पर यही मंत्रालय विचार करेगा और इनके नियमों पर जो काम है वो भी आपको बता दें कि शुरू हो चुका है।
केंद्र सरकार ने देश भर में अभी तक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने पर कोई फैसला नहीं लिया है, यह जानकारी गृह मंत्रालय ने संसद में दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने का काम चल रहा है। एनआरसी को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन देखे गए थे, ऐसे कई सवालों के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जवाब दिया है। जनगणना 2021 पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जाति के आंकड़े जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। आंकड़ों के संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और एक जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है। एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री ने कहा, अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर के बाहर के केवल 2 लोगों ने अब तक संपत्तियां खरीदी हैं। जम्मू कश्मीर में अब जमीन खरीदने में बाहरी लोगों या सरकार को किसी तरह की कठिन प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। दरअसल बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया गया था। तो एनआरसी लागू होगा ये अलग है, लेकिन अभी तक इस पर कोई मसौदा तैयार नहीं हुआ है, यह गृह राज्य मंत्री का कहना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एनआरसी पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, इसको किस तरीके से आगे सुचारू रूप से चलाया जाएगा उस पर अभी काम चल रहा है, लेकिन अभी कोई फैसला इस पर नहीं बना है। आपको बता दें कि एनआरसी को लेकर हम लोगों ने 2020 की शुरुआत में एक देशव्यापी आंदोलन देखा था, जिसके बाद एनआरसी को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। काफी लोगों का कहना था कि एनआरसी से देश के कुछ लोगों को बाहर किया जा सकता है, कागज दिखाने की तमाम तरीके की अफवाहों का दौर शुरू हो चुका था। लेकिन इस पर जब सवाल पूछा गया संसद में तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने साफ किया है कि एनआरसी को लेकर काम चल रहा है, लेकिन ये कब होगा कैसे होगा इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जहां कमजोर पड़ रही है, तो वहीं तीसरी लहर की संभावना भी बनी हुई है। इन सबके बीच एक बार फिर से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ स्कूल कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। वहीं कई अन्य राज्य आने वाले दिनों में स्कूल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। इस महीने यानी अगस्त महीने की बात करें तो केवल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल खुलने की संभावना है, ये जानकारी सरकार ने लोकसभा में दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में शेयर किए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार कहा है कि लक्षद्वीप, पुडुचेरी, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने 2 अगस्त स्कूलों को फिर से खोल दिया है। वहीं आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त तक स्कूल फिर से खुलने की संभावना है। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने सभी क्लासेस के लिए फिर से स्कूल खोले हैं, बाकी ने केवल कक्षा 9 और उससे ऊपर की क्लासेस के लिए मंजूरी दी है। गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं जिन्होंने 2 अगस्त तक स्कूल नहीं खोले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता शशि थरूर के एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि नागालैंड में पहले ही 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए गए थे। हरियाणा में भी 9वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 16 जुलाई से स्कूल फिर से खुल गए हैं। वहीं इस महीने के पहले सप्ताह में लक्षद्वीप में सभी ग्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। 2 अगस्त को पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। बाकी के राज्यों ने इस महीने के अंत तक स्कूल खोले जा सकते हैं, ऐसी बात कही है। तो आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद स्कूलों को एक बार फिर बंद किया गया था, और इसके बाद स्कूल कब खोले जाएंगे, क्योंकि लहर जो है वो कमजोर पड़ती नजर आ रही है, तो ऐसे में बात की जा रही है कि स्कूलों को खोल देना चाहिए। तो इसी का सवाल जवाब देते हुए सदन में ये बात कही गई। दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी पूरी कर ली गई है। लाल किले के अंदर की तस्वीर बदली हुई है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाई गई है। साथ में सैटेलाइट इमेज और सेना के साहस को दिखाती हुई तस्वीरें भी मौजूद हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम होगा। 26 जनवरी हिंसा के बाद अब दिल्ली पुलिस लाल किले की सुरक्षा में कोई चूक बरतना नहीं चाहती है, लिहाजा दिल्ली पुलिस सेंट्रल एजेंसी के साथ साथ सेना की मदद से लाल किला और उसके पास के इलाके से 15 अगस्त के लिए एक बड़ा सुरक्षा चक्र
बना चुकी है। 26 जनवरी 2021 को हिंसक प्रदर्शनकारी जिस गेट से लाल किले के अंदर दाखिल हुए थे उस मेन गेट को पहली बार बड़े बड़े कंटेनर से ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कोई भी शख्स जबरन लाल किले में तमाम पुलिस कर्मियों को चकमा देते हुए मेन गेट तक पहुंच भी गया तो ये बड़े बड़े कंटेनर उसके लिए सबसे बड़ी बाधा होंगे। अब ये कंटेनर एक तरफ लाल किले की सुरक्षा कवच होंगे तो वहीं इन्हीं कंटेनर में बड़ी बड़ी पेंटिंग कर इन्हें सजा दिया गया है। भारत की तकनीक ताकत को पेंटिंग के जरिए दर्शाया गया है और साथ ही साथ महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह और चंद्रशेखर बोस की पेंटिंग बनाई गई है। 15 अगस्त को लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी NSG, SPG, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और दिल्ली पुलिस के हाथ में होगी। करीब 40,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी 15 अगस्त को सुरक्षा में तैनात रहेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मेन गेट पर कंटेनर और छतों पर स्नाइपर्स की तैनाती की गई। भारतीय थल सेना ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत जम्मू कश्मीर के मशहूर स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में मंगलवार को 100 फुट ऊंचा तिरंगा राष्ट्र को समर्पित किया। श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता कर्नल एमरॉन मुसावी ने कहा है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने को ये हैं और ऐसे में ये समारोह मनाया जा रहा है। एक सादे समारोह में मंगलवार को गुलमर्ग में राष्ट्र को 100 फुट ऊंचा राष्ट्रध्वज समर्पित किया गया। समारोह की अध्यक्षता सेना कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने की। उन्होंने कहा कि बारामूला जिले के गुलमर्ग में यह ध्वज सैलानियों के आकर्षण का एक और केंद्र बनेगा। समारोह के दौरान सेना कमांडर ने कहा कि यह ध्वज उन अनगिनत कश्मीरियों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की रक्षा करते हुए बलिदान दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि गुलमर्ग नियंत्रण रेखा पर स्थित उन स्थानों में एक था जहां पाकिस्तानी सैनिकों ने 1965 में घुसपैठ की थी और एक युवा गडरिया मोहम्मद दीन की सूझबूझ और सुरक्षा बलों को तुरंत इस बारे में सतर्क किए जाने पर भारतीय थलसेना को पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को परास्त करने में काफी मदद मिली थी। कर्नल मुसावी ने बताया है कि लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने राष्ट्र की सेवा में बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया है। इस समारोह में काफी संख्या में लोग पहुंचे। मिजोरम असम विदेश पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह मुद्दा दरअसल एक साजिश के तहत बनाया गया है ताकि लोग ऐसे ही लड़ते रहें। नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि वह लगातार मिजोरम के मुख्यमंत्री से बात करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन ये जो गंभीर विषय है, असम, मिजोरम, असम मेघालय, असम अरुणाचल, ये जो स्टेट बनाए गए थे तो उस समय सीमा लिख देना चाहिए था कि किसकी क्या सीमा है, लेकिन ये साजिश की गई कि ये लोग आपस में लड़ते रहें जिसकी वजह से हम लोग आज भी झगड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि जब मेघालय, नागालैंड और मिजोरम को राज्य बनाए गए थे तब असम को कोई आपत्ति नहीं थी। उस समय यदि 10 किलोमीटर और दे दिया जाता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन इसे साजिश के तहत इशू बनाए रखा गया। हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमने समिति के 10वें प्रतिवेदन को राष्ट्रपति महोदय के पास भेजने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने अनेकों अवसरों पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदी में बोलकर हमारी राजभाषा का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तकनीकी शिक्षा और औषधीय शिक्षा पर भी संपूर्ण अभियान सक्रम राजभाषा में भाषांतरण कराने का काम शुरू किया है और देश के अंदर यह परिवर्तन आने वाला है। अमित शाह ने आगे कहा कि हम आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। इन 75 सालों में हमने लोकतंत्र की जड़ों को गांवों और कस्बों तक पहुंचाया है और लोकतंत्र को हमारा स्वभाव बनाया है। आज़ादी के 75 वर्ष होने पर हिंदी सम्मेलनों में, आज़ादी के आंदोलन में राजभाषा हिंदी की भूमिका, यह थीम होनी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद इतिहास रचने के बाद हॉकी टीम के खिलाड़ी पंजाब पहुंच गए हैं। हॉकी टीम में शामिल राज्य के खिलाड़ियों ने सबसे पहले अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। इसके बाद ये सभी खिलाड़ी जालंधर कैंट पहुंचेंगे जहां इन खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके बाद रात को सभी खिलाड़ी मिठापुर में डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगे। टीम के खिलाड़ियों का यहां आगमन पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान इन खिलाड़ियों के परिजन भी उनके साथ स्वागत के लिए मौजूद थे। बता दें कि पंजाब का मिठापुर क्षेत्र हॉकी खिलाड़ियों के लिए मशहूर है। टोक्यो ओलंपिक खेलने गई भारतीय हॉकी टीम में भी 3 खिलाड़ी मिठापुर के हैं। पूर्व ओलंपियन परगट सिंह से लेकर मौजूदा हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह तक मिठापुर ने देश को कई नामी खिलाड़ी दिए हैं। पंजाब सरकार कल ओलंपिक खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए करोड़ों रुपए के इनाम देने के लिए समारोह का आयोजन करेगी।
राज्य के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने मंगलवार को बताया कि गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा और राज्य के अन्य मेडल विजेताओं समेत ओलंपिक में पंजाब की ओर से शामिल सभी खिलाड़ियों को कल सम्मानित किया जाएगा। गुरमीत सिंह सोढ़ी ने बताया है कि इस सम्मान समारोह में इन सभी खिलाड़ियों को 32.67 रुपए का कैश अवार्ड दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इस दौरान गोल्ड मेडल जीत इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को पंजाब सरकार 2.51 करोड़ रुपए का इनाम देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे, जबकि राज्यपाल वीपी सिंह बडनोर इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि होंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।